और एक लाइन हम यहाँ बनाएंगे जो कि इन दोनों को मर्ज करती है, एक साइड क्योंकि हमारा जब भी मैकेनिज्म बनेगा तो एक तरफ से वो घूमने वाला होता है और यहाँ से हमारा जीवी बॉक्स बनता है जो कि अंदर जाके फिट होता है। घूमता वो खाली एक ही तरफ से है जिस तरफ से वो हो रहा है। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे। अब जितना भी हमने इसको ऑफसेट दिया है उसमें 0.2 जोड़ दिया, हमने 3 का ऑफसेट दिया है तो 3.2 जोड़ देंगे, 0.1 इधर से एक्स्ट्रा और 0.1 इधर से एक्स्ट्रा, ठीक है। अब आप इस कर्व और इस कर्व को लेके एक्सट्रूड कर्व कर दोगे जितनी भी थिकनेस आपको उसको देनी है, ठीक है। तो हम इसको थिकनेस दे रहे हैं, अभी बोथ साइड कर रखा है हमने, हम इसको थिकनेस दे रहे हैं अभी 2 mm की, यानी कि हम 1 mm की देंगे ताकि 2 mm बने, ठीक है, समझना। चलो इसको भी 3 दे देते हैं हम, शिफ्ट एंड दिस एंड दिस एंड 1.5 थोड़ी थिकनेस, ठीक है। ये कड़ा बन गया आपको। अब कड़ा आपने देखा होगा जब हम बात करेंगे कि ये दो तरफ से इधर उधर घूमेगा, राइट, तो मतलब कड़ा बीच में से हाफ हो जाएगा तभी घूमेगा। हमने ये जो बनाया है एक्सट्रूशन इसको आप कर दोगे स्प्लिट, किससे, ये जो लाइन बनाई थी हमने उससे, हमने आगे एक ईयर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो खाली हो गया बिकॉज स्प्लिट किया है हमने, तो इसका हम क्या करेंगे कैप और नीचे वाले को भी कैप, दोनों को कैप कर दिए। नाउ आपके पास ये जो सर्कल बना हुआ है इसको आप एक्सट्रूड करोगे कितना, जितना हमारी लाइन है, हो गया, ये दोनों का है ना आगे ना। अब आप उसका मैकेनिज्म बनाना है तो सेंटर में भी एक घूमने के लिए वो चाहिए होगा हमारे को, पेच आएगा ना, जब भी तो घूमेगा ना खाली होगा तो उसको हम 1 mm का सर्कल बना के इसको हम करेंगे एक्सट्रूड। बोथ साइड नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ बना है तो हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस चीज़ को बीडी करेंगे इसमें से और इसमें से, ताकि तीनों चीज़ों में से वो खाली हो जाए। बुलियन डिफरेंस किसको, इसको इस सर्कल इस एक्सट्रूशन को इस पॉली सर्फेस और इस एक्सट्रूशन को किससे, इससे खाली सबसे खाली हो गया। बट अभी भी इसका एक पार्ट पूरा है, ये एक अलग है और ये अलग है, और इसमें से भी इस सर्कल में से हम पार्ट निकालेंगे, ठीक है। इस सर्कल में से पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे जो कि हमारी बोथ साइड जाएगी, और कहाँ से, यहाँ से हम इसको एक अप्रॉक्सीमेटली एक लाइन बना दी हमने, ठीक है पंडित। इसको हम करेंगे एरे लीनियर, कैसे, यहाँ से कितना 4 में, क्योंकि मेरे को इस पोर्शन को 4 में डिवाइड करना है, शिफ्ट दबाओ और इसको इसके अप्रॉक्सीमेटली 4 में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, बताते अभी तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब बाकी सबको हटा दो और एक बार इसको इस पॉली सरफेस को ये हटा देंगे हम और ये लाइंस को शिफ्ट करके लाइंस को, ठीक है, इन्वर्ट करो, इन्वर्ट करो और हाइट, ये आ गया हमारे पास हम, ठीक है। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है, इसलिए हमने 4 लाइन में किया है, स्प्लिट किया किसको, इसको इस सरफेस को किससे, इससे, हो गया स्प्लिट। अब यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये हो गया है खाली, हो गया खाली, तो इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे क्या, ठीक है, बंद हो गया ये वाला, इसको भी अभी हमने स्प्लिट किया नहीं है पर हम इसको भी कर देंगे क्या, क्यों, क्योंकि वो इधर से खुला हुआ था हमने स्प्लिट किया था, तो वापस से अब हम स्प्लिट करेंगे किसको, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है सरफेस को किससे, इससे, हो गया। अब इन दोनों को अलग से वापस से हम और इस सरफेस को क्या कर देंगे कैप, ये वाला भी और ये भी कर देंगे हम कैप, ठीक है। नहीं अगर हम देखो बाद में करते हैं ना तो हमारे प्रॉब्लम देता है, कैप होने में लग जाती है, इसलिए हमने अलग अलग करके ही उसको कैप किया है ताकि दैट बिकम इजी
पर हमें बार बार त्याग करना था, इससे एक एक करके ही त्याग करते चलो तो वो इजी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब हमने किया शो इसको, ये जो ऊपर वाला ये एक पार्ट है पॉली सरफेस का, ये हो जाएगा ये ऊपर वाले से। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी हमारे पास ये वाला हमारा ये जो सरफेस है ये अभी हमारा खाली नहीं हुआ, सर्कल के अंदर आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है एक हमारे पास जो सर्कल बना हुआ था राइट, ये सर्कल इसको हम वापस से एक्सट्रूड कर देंगे, एक्सट्रूड कर्व बोथ साइड एंटर एंटर। ठीक है, अब इसको कर देंगे इससे बुलियन डिफरेंस, बुलियन डिफरेंस किसको, इसको और इसको, किससे इससे, हो गया अभी खाली। अब ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, और ये एक पार्ट में हमारा ये पॉली सरफेस, ये दूसरी पॉली सरफेस, ये तीसरी पॉली सरफेस, ये वाली जो पॉली सरफेस है इसको हम इसके साथ मिला के कर देंगे ग्रुप। ठीक है, और हाँ, और नीचे वाले को करेंगे हम इसके साथ और इसके साथ मिला के ग्रुप। अब आप देखोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा देगा लुक, अब घूम तो जाएगा, मैं लुक दिखा दी कि कैसा देखेगा। आ गया वो लुक जो हमारे होता है, ट्रायंगल में लुक होता है वो आ गया। आ गया समझ में। अब इसके बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे कि ये जो हमारी सरफेस हमने एक्स्ट्रा बाहर ली थी उसको हम हटाएंगे, हटाने के लिए हमने कर्व लिया, कर्व लेने के बाद इसको किया एक्सट्रूड कर्व बोथ साइड और बुलियन डिफरेंस एंटर, किसको, इसको और इसको एंटर, किससे, इससे, हो गया अंदर का गया बाहर का रह गया। बाहर का हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बाहर का एक्सट्रूड नहीं करेंगे, बाहर का सर्कल है नहीं आ रहा है, नहीं बेटा बाहर का जो सर्कल है उसको दोगे आप ऑफसेट, पॉइंट थ्री का ऑफसेट दे दो, हो गया। अब आप इसको भी लो और इन दोनों को मिला के एक्सट्रूड कर दो, हो गया बुलियन डिफरेंस, किसको, इसको और इसको, किससे, इससे, हो गया ये भी सही। ये बन गया आपका मैकेनिज्म का एक पार्ट। अब इसको बंद करने के लिए आप इसी सर्कल को यहाँ से लेंगे, एक्सट्रूड कर्व करेंगे बोथ साइड नो करेंगे और यहाँ तक ले लेंगे, बन गया ये पार्ट हो गया। ठीक है, बंद करते हैं ना यहाँ पे, इसको थोड़े खुला छोड़ेंगे, यहाँ से खुला चलता है इसको, आपको देखना है कैसे बनता है जनरली आपका। आई एन इनवर्ट किया अपन ने और हाइट किया, ये आ गया। अब हम जाते हैं सॉलिड फिलेज, फिलेज इसको हम पॉइंट वन का दे देते हैं एक बार फिले, हो गया इतना ही। तुमको अपने आप याद आ जाएगा कि क्यों किया है। ठीक है, ऐसे होता है अंदर आगे तो नहीं छोड़ सकते ना, पेच आता है वहाँ पे, पेच के लिए इसको हमने पेच ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अटकेगा कैसे, पानी तो पेच चाहिए होता है ना उससे, तो वो पेच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई इश्यूज हैं इसकी, इसके अंदर की समझ में ना आया हो, ये बनाओगे तो अपने आप ज़्यादा बेटर मालूम पड़ेगा, बट आई थिंक आ जाना चाहिए। हाँ, इस साइड अब हमारा जी वी बॉक्स बनेगा, अभी हम आ रहे हैं इस साइड पे, अभी तो ये अटकेगा किस पे, उस साइड अंदर तो जाएगा ना इसका जो वो होता है एक अंदर, और अंदर जाती है ना, अंदर जाती है तो वो जो अंदर जो क्लिप होती है वो तो रेडी बनी हुई मिलती है, जब वो रेडी मिलती है तो वो आपको कंपनी साइज देगी कि किस साइज का जी वी बॉक्स आपको बनाना है। अभी हम एक बेसिक स्टैंडर्ड जी वी बॉक्स बना रहे हैं। तो मैम ये इसके अकॉर्डिंग नहीं होता क्या, 55 के अकॉर्डिंग? वो आपको कंपनी दे देगी, वो जनरली क्या होता है जी वी बॉक्स का आपका क्लिप होता है वो रेडी रहता है आपके पास, वो आप अपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में संभाल के रखते हैं, उसी को ला के लगा दो। बाकी जी वी बॉक्स बनाने का काम आपका नहीं हो, जी वी बॉक्स बनाने का काम होता है, क्लिप बनाने का काम नहीं होता, क्योंकि क्लिप मार्केट में रेडी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले सेक्शन की, क्योंकि हमारे को इधर से इसको खाली करना है। ठीक है, बाकी सबको हम क्या कर देते हैं अभी एक फॉर अ टाइम बीइंग के लिए, पहले हम एक सर्कल यहाँ वाला ले लेते हैं, मुझे ये सर्कल नहीं चाहिए, ये वाला तो ऑफसेट वाला है, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे अभी हमारे पास, चलिए हम फ्रंट में आते हैं वापस से,
हमारे पास एक सर्कल है यहाँ पे, इस सर्कल को हम देंगे ऑफसेट कितना अंदर की तरफ 0.8 का। वो हमने क्यों दिया है, क्योंकि वो इतनी थिकनेस उस मेटल की रहनी चाहिए ताकि वो जगह उतनी हमारे स्टिफ रहे, जो हम जनरल 0.8 का हम देखा करते हैं वही चीज़ हमने यहाँ पे दी है। ठीक है, ये करने के बाद हम एक लाइन बनाएंगे, लाइन कहाँ से, यहाँ से और थोड़ी सी बाहर जाती हुई, क्योंकि जब हम बुलियन डिफरेंस करेंगे उसके लिए हमें थोड़ी लाइन बाहर चाहिए। दूसरी लाइन हम यहाँ से बनाएंगे 6 mm की, 6 mm की हाइट। ठीक है, यहाँ तक की बन गई। अब इसी लाइन से हम एक और लाइन लेके जाएंगे जो कि हमारी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बन गया 1, 2, 3 और यहाँ वाला कर्व, ये 4। इसको हमने किया इन्वर्ट, एस्केप, इन्वर्ट और हाइट। इसको हमने क्या कर दिया, ट्रिम, इसको कर दिया एंटर, इसको किया हमने कॉपी था क्या? ठीक है, नहीं वो चाहिए नहीं था ना, हमें चाहिए ज्वाइन कर दिया। अब हम लाएंगे इसको यहाँ पे। अब आप देखो ये वाली लाइन्स हमारे अभी काम की नहीं है, हमको अब ये ऊपर जब लाइन सिक्स एम एम की, 6 mm की जनरली वो जीवी का इतना वो साइज के अंदर वैसे जो इसलिए वो अप्रॉक्सीमेटली जरूरी नहीं है वो। अभी मैंने क्या कहा कि आपको कंपनी बता देगी कि आपका क्लिप क्या साइज का है, मैंने एक स्टैंडर्ड साइज दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ से भी हमें 0.8 छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से भी 0.8 छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं हम, कहाँ से, मिडिल से हमारे वापस से 2-sided लाइन, लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट का लेने के बाद यहाँ से हमने एक लाइन बनाई अप्रॉक्सीमेटली इतनी, उस लाइन को हमने दिया ऑफसेट कितने का, 0.8 का। ठीक है, ये आ गया। अब इसी को हम क्या कर देंगे, मिरर, इसको एंटर, किससे, इससे। ये हमने क्यों लिए 0.8 की लाइन, ये है रेफरेंस लाइन, किस लिए, हमारे इसको एक्सट्रूड करने के, इसको हमने एक्सट्रूड किया एंटर कितना, बोथ साइड एंटर और कहाँ तक लेंगे हम, इस लाइन तक। आ गया, बन गया ये। ठीक है, अब ये बनने के बाद हम इस चीज़ को बुलियन डिफरेंस एंटर किसको, इसको, किससे, इससे। खाली हो गया आपका बॉक्स, बन गया। ये बनने के बाद आप इस चीज़ को करेंगे इन्वर्ट एंटर और हाई। आप एक आप लाइन लो यहाँ से और यहाँ तक की, डुप्लीकेट एज लो किसका, इसका, इसका और इसका, एंटर, स्वीप टू। हम पैच भी कर सकते हैं ना, स्वीप टू करेंगे ज़्यादा बेटर बनेगा हमारा, स्वीप वन नहीं स्वीप टू। 1, 2, 3 और ये 4 एंटर, सरफेस बन गई। इस सरफेस को आप करोगे ऑफसेट सरफेस फ्लिप 0.8 वही जो हमने, हाँ 0.8 जस्ट स्कूपिंग टाइप के लिए और ये बन गए। अब जब आपका ये चीज़ जाएगी कैबिन के लिए तो 3 पार्ट में जाएगा, कैसे, बॉक्स अंदर SD, ये पार्ट एक, ये पार्ट एक और ये जो इसका जीवी का जो बनाया है वो। ठीक है, अब आपको देखना है अभी इसके अंदर, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली अगर हमने इसको ये ग्रुप किया हुआ है प्लस ये कंट्रोल होगा नहीं, यहाँ पे ग्रुप कर दिया इसको। अब आप देखो तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको शेडेड में किया हमने, ये बन गया। आप करोगे रोटेट किसको, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इसको एंटर कहाँ से, इसके पॉइंट से, मिड से। ठीक है, मैंने इसको लिया, ये बन गया। अगर हम अब इस
चीज़ को फ्रंट की जगह यहाँ पे बात करते हैं पर्सपेक्टिव में, तो आपको क्लियर विजन दिखेगा उस चीज़ का, दिख रहा है चल रहा हमारा जैसे भी हमें चाहिए। ये आपका बॉक्स बन गया, मैंने यहाँ पे इसको एक बार ब्लॉक किया, यहाँ से आपको दिख रहा है चीज़ आपका मूवमेंट के लिए। ये आपका यहाँ पे ये भी आ गया टॉपर का, एंड ये आपका नीचे से इसके अंदर टीवी घुसे, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ये शेडेड में देखो तो यस ओके और द पॉइंट। अब हम बात करेंगे इसको, जैसे अगर हम इसको ये वाले को हम कलर चेंज कर देते हैं, इसमें हमें डिजाइन ऑब्जेक्ट लेयर क्या हो बंद हो गया ओके ऐसा ही पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, और हाँ नीचे तो सरफेस है जो भी हटा और ये दूसरी सरफेस है इसको हम कलर दे देते हैं मैम। इसमें मेरे को डिज़ाइन चाहिए ना, आप बना सकते हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो, लॉक तक पहुँचेगी पूरा वो डिज़ाइन के अंदर, थोड़ा सा लॉक किए देखते हैं। ब्रेसलेट के अंदर ऐसा रहता है हर जगह चीज अलग बनती है, डिज़ाइन के हिसाब से अलग बनती है, एक बेसिक स्टैंडर्ड जो कि आपको जनरली काम में आ जाएगी, ठीक है। बन गया आपका बैंगल, अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे आज लूप। मैंने उस दिन एक बेसिक लूप बताया था तुम लोगों को कैसे हम बना सकते हैं, तुमने नहीं देखा था क्योंकि शायद तुमको नहीं बताया था, इन दोनों को लूप जानना था इसलिए उन्होंने, तो आज हम लूप वापस से करेंगे। लूप का साइज हम जनरली 5-3 का लेते हैं, 5-3 यानी कि पीयर, तो 0 से चालू करेंगे और हम 3 का तो सर्कल बना लेंगे और एक लाइन बनाएंगे जो कि हम 5 की बनाएंगे, ठीक है, 5 एंटर और ये बन हो गया। पीयर बनाते हैं जैसे हम, वैसे ही सेम तरीके से हम यहाँ पे पीयर बनाएंगे, एक ये और दूसरा, ठीक है, इसको कर दिया हमने रेम कंट्रोल। अब ये बन गया आपका जो हमने उस दिन बनाया था, पहले मैं एक बार वो बता देती हूँ वापस से, एंड देन फिर नया एक और स्टाइल बता दूँ, वो भी आपने बेसिकली डिपेंड करता है आपकी चेन की साइज पे, 7-5 का भी बन सकती है, डिपेंड करता है आपकी चेन कितनी थिक है, आप उसको चेन कैसे यूज कर रहे हो, बट जनरली एक जो बेसिक स्टैंडर्ड साइज चलता है वो 3-5 के हिसाब से जो ये वाला हुक जा रहा है, अभी कैलिबर नहीं है अपने पास, वरना कैलिबर से अपन नाप के देख सकते थे, एक बार ऊपर सुबह जाके दिनेश सर से बाद में कैलिबर ले आऊंगा। ठीक है चलो आगे बात बढ़ते हैं। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था इसको हमने 0.6 का ऑफसेट दिया है, ऑफसेट एंड 0.6, ठीक है। अब हम दो चीज़ कर सकते हैं, देखो हाँ हम दो चीज़ कर सकते हैं, हम इसको पहले शेप दे सकते हैं, ज़रूरी है कि हमारे को दोनों चीज़ ऑप्शन है हमारे पास, शेप दूसरा बताऊंगी उसके अंदर आपको मैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई 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 ये बन गया हमारा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर्व करेंगे, एक्सट्रूड कर्व और जितना हमें देना है बोथ साइड ऐसे हम दे देंगे 2, ठीक है, बोथ साइड 2 और एंटर, ये हो गया 4 का, ठीक है। ये होने के बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म में एक ऑप्शन आता है, पेपर
पेपर लिया हमने, किसको यहाँ से हमें करना है, नीचे से करना है तो ऑपोजिट साइड पकड़ेंगे, हमने लिया थोड़ा बाहर गए और हमने यहाँ से करके इनफाइनाइट और फ्लैट को कर दिया ये, और जितना हमें करना है हम यहाँ पे दोनों चीज़ कर सकते हैं। ऊपर से भी अगर हमारे को थोड़ा सा करना है, ज़्यादा थिक लग रहा है, तो हम उस चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये लिया मैंने एंटर, यहाँ से लिया मैंने, शिफ्ट किया नीचे गए और थोड़ा सा हमने इसको भी अंदर कर, जैसा हमारे को चाहिए। बन गया लूप हमारा, इसको अगर हमें ये एक जनरल लूप बन गया, ठीक है, जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाले को अब हम वापस जाते हैं, अब मैं दूसरे तरह से बताती हूँ तो आप दोनों चीज़ को मर्ज कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, उसमें हमें 1 mm की हाइट चाहिए, ठीक है। अभी तक तो हमने इस चीज़ को खाली 0.5 की दी थी, 0.6 की दी थी, इसको हम 0.5 की ऑफसेट देंगे, ठीक है। 0.5 का हमने ऑफसेट दिया, 0.15 पर देने से पहले हम इसको फिले कर देंगे नीचे से, ठीक है, ताकि अब हम थोड़ा सा डिफरेंट उस पर वर्क कर सकें। 0.2 का फिले कर रही हूँ, ये और ये बन गया नीचे से आ गया इसको। अब इसको हम दे देंगे ऑफसेट एंटर 0.5 का, ये बन गया, ठीक है। ये बनने के बाद हम इन दोनों को एक्सट्रूड कर्व करेंगे और अपनी मर्जी से कितना देना है ना देंगे, इसमें हम कोई भी स्टैंडर्ड उसमें नहीं जा रहे, ठीक है। अब हम इधर आएंगे, इधर आने के बाद हम एक सर्कल लेंगे जो कि हम यहाँ से ले रहे हैं 2 mm का, ताकि उसकी जो हमारे को विड्थ चाहिए वो 2 mm आ जाए, हम 2 या 3 जो हमारे को लेना हो।